अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज इस टेक्निक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो है क्विक डिवीजन बाय 9। ये एक ऐसी टेक्निक है, आई थिंक मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिवीजन को लेके मतलब उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है डिवीजन। लेकिन मैं अपना बताऊं, मुझे भी डिवीजन से काफी डर लगता था बिकॉज ऑफ द स्टेप्स इट इन्वॉल्व्स और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। लेकिन आज इस टेक्निक की मैं बात करूंगी, आप देखेंगे कि हम डिवीजन कर ही नहीं रहे, हम एडिशन कर रहे हैं और कितना इजीली हम सॉल्व करेंगे इसको। आई वुड से कि एक स्मार्ट टेक्निक है, इसे बंदा सही में स्मार्ट बनता है। तो चलिए फिर, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू वीडियो। और हाँ, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स लिए, हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। 2 हमें एज इट्स लेना है, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 5, 6 = 7, 7 + 4 = 7, 8, 9, 10, 11, 11 + 2 = 13, 13 हम लोगों को सेपरेट कॉलम में लेना है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, 13 हमें पता है जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 9 से। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 9 से तो फिर हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो हम लोगों का 4 आएगा, और यहाँ पे 9 1 जो है वो यहाँ पे लिखना है, 2 5 8, और यहाँ पे 2 आएगा और हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। अब हम दूसरी वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, 3 एज इट्स लिखना है, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 2 = अगेन 11, 11 + 3 = 11, 12 13 14, 14 हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर से हम लोगों को 14 से डिवाइड करेंगे 9 से तो हम लोगों का आएगा 5 यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 + 9 = 9 तो है ही। फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो ये 9 है ना, ये 10 है, तो इसका यहाँ पे एक कैरी आएगा, दिस इज 6, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 2। सो ये आपका आंसर है। देखा आपने कितनी ईजिली हमने फाइंड किया, हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। 1 मिनट से कम टाइम हम लोगों को लग रहा है। सो 4 + 4 + 2 = 6, 6 + 5 = अगेन 11, 11 12 13, 3 हम लिख लेंगे यहाँ पे, 13 है, 13 + 4, हाँ 13 15 16 17, 17 को हम यहाँ पे लिख लेंगे रिमाइंडर। फिर जब हम 17 को फिर से डिवाइड करेंगे 9 से, दैट विल बी 8, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 6 यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ठीक है। दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, 4 7 2 4 आएगा यहाँ पे। ये कैरी मत भूलिएगा, ये काफी गलत होता है इसकी वजह से। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला, 3 as it's 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 10 11, फिर से 11 आ गया यहाँ पे कैरी, 11 12 13 14, 11 12 13 14, हाँ फिर से 14 आता है, और यहाँ पे फिर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से हमारा 5 ही आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे हम लोगों को 1 यहाँ पे लिख लेना है, दिस इज 3, अगेन यहाँ पे जाएगा 1, दिस विल बी, हाँ दिस विल बी 6, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 2। आई थिंक आई हैव रिपीटेड द सेम प्रॉब्लम, हाँ कोई नहीं। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि ये जो हमने, अगर आप कोई टेक्निक हेल्पफुल आपको लगी ये टेक्निक, प्लीज़ मुझे बोलेगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी, क्या ये हेल्पफुल थी, और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखेंगे कि कितना ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे सारे प्रॉब्लम्स को दैट आर डिविजिबल बाई 9। सो ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।